कहानी 27। एक दयावान सामरिया री कहानी। एक दिन यहूदिया रे काम देखने वाला खास आदमी यीशु अगे आया। से सभी जो दिखाना चाह था बे यीशु गलत तरीके कने बोलने लग रहा था। इत्ते खतर तिने बोलिया, हे गुरु, सदारा जीवन पाने खतर हूँ क्या करूँ? यीशु ने बोलिया, परमेश्वर री व्यवस्था च क्या लिखी रहा? तिने आदमी ने बोलिया, से बोलना है अपने परमेश्वर कने पूरे मन जीवन पवित्रता और समझा कने प्यार रख और अपने पड़ोसिया कने आपू सा ही प्यार रख। यीशु ने बोलिया, तू बिल्कुल ठीक बोलना, जे ते एड़ा कीता तो तू सदा रा जीवन पांगा। पर से नियम कानूना रा जानकार लोका जो दिखाना चाह था वही तीसरे जीने रा तरीका ठीक आ। तब तिने यीशु जो पूछा, ठीक आ तब मेरा पड़ोसी कौन आ? यीशु ने तीस नियम कानूना रे जानकारे जो एक कहानी सुनाई के जवाब दित्या। एक यहूदी आदमी था जो सड़का ते उई के यरूशलेमा ते यरीहो जो जाने लग रहा था। पर कुछ डाकुआ ने तीसो देखा और तीस पर हमला करीता। तीने तीसरा सब कुछ ले ला और तीसो मरने तक खूब मारया, तब से चली गई। तीते बाद तीसिये एक याचक तीसा सड़का रिये गया। तीने याचिका ने तीस आदमी जो सड़का च गिरीरा देखा, तब से सड़का रे दूजे किनारे जाके आगे बढ़िया। तीने तीस आदमी जो अनदेखा करी दित्या। तीते बाद एक लेबी तीसा सड़का पर आया। लेबी यहूदियारी एक जात थी, तीने मंदरा रे याचिकारी मदद कीती थी। से लेबी भी सड़कारी दूजे किनारे ते निकली गया। तीने भी तीस आदमी जो अनदेखा करीता। और अगला जो आदमी सड़का च आया सामरिया रा आदमी था। सामरी और यहूदी अपे बीचे नफरत करां थे। तिने सामरिया सड़का पर तीस आदमिया जो देखा, तिने देखा से यहूदी था, पर तिने तीस पर बड़ी तरस कीती। से तिसकी गया और तीसरे जख्म पर पट्टियां बनी। तब तिस सामरिया ने तीस आदमिया जो गधे पर बठाया, तिसा सड़की ते सराई तक ले गया। तिथी तीसरी देखभाल करनी शुरू कीती। दूजे दिन सामरिया जो अपनी यात्रा करनी जरूरी थी, तिने सराई रे एक नौकरा जो कुछ धन दित्या। तिने बोलिया, इस आदमी रा ध्यान रखना, जे इस धन रे लावा और खर्चाऊंगा तो आय करी दे देंगा। तीते बाद यीशु ने तीस काम करने वाले आदमी जो पूछया, तुसे क्या सोचा है? इना लोका बिचे कौन जा आदमी पड़ोसी आ जिसे लुटिया और कुटिया? तिने बोलिया, जिन्हें तीस पर दया की। यीशु ने बोलिया, तू जा और एड़ा ही कर।